आप सभी भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार। चैनल को जो लाइव मेरे को किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मौका मिला है भाइयों से आपस में बात करने का, इससे अच्छा और कोई मौका नहीं हो सकता है। और गेम को बढ़ावा देने के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है। मैं कहता हूँ कि इस तरह की बातें हमेशा ही आपस में मेल जोल बढ़ाती है। खेल की एक लिमिट है हमारी, और उस खेल के द्वारा ही हम अपनी पहचान बनाते हैं। हम कहीं भी जाते हैं, जैसे पहले शूटिंग खेलते थे, कहीं जाते हैं महाराष्ट्र में, हमको ये चिंता नहीं होती कि वहाँ पे जाके हमको क्या करना, क्योंकि हमको पता हुआ है जो प्लेयर हम हमारे दोस्त हैं, मित्र अच्छे, उनसे हम अपना वहाँ जाके बात करेंगे। और गेम ही बहुत चीज़ों को सिखाता है, फिटनेस, एक ग्राउंड में शाम के टाइम पे जाना, इस चीज़ से बहुत बड़ा मिलता भाई। और मैं कहता हूँ कि जीता भाई है, विपिन है, फोगाट साहब अपने, और वो भी हैं जो फेडरेशन जो चालू की है। आज जैसे हम अब फ़ोन पे लाइव हैं, आने वाले टाइम में एक समय आएगा अभी जस्ट भाई, राम 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 भाई, एक समय आएगा जब हम टीवी पे लाइव होंगे सभी भाई, जैसे प्रो कबड्डी है ऐसे ही लाइव होंगे। अरे आपका भाई इस्तपाल दिया आपको वादा करता है इस चीज़ के लिए। हम जी जान से, मैं, विपिन, जीता, बॉबी और जो बड़े भाई हमारे जो सहयोग कर रहे हैं, हम इस चीज़ को इस जगह पे लेके जाएंगे जो भाई कहेंगे कि हाँ भाई भाई हम गेम बहुत खेल चुके हैं। अब जो हमारे छोटे भाई हैं उनके लिए जो काम हमने करना है ना, वो इतना ज़बरदस्त करना है कि सभी भाइयों को फ़ायदा हो। आज तक हमने देखा भाई, हम गाड़ी में जाते थे 8 या 9 बंदे हम जाते थे, 8 या 9 बंदे हम गाड़ी में बैठ के जाते थे जब हमने साफ लगा सेट बनाया था अपना। उस टाइम ये होता था भाई, बस टूर्नामेंट जीता, कुछ पैसे आ गए। पर आज वो नहीं करना, हमको अपने प्लेयरों की एक पहचान बनानी है। पहचान क्रिकेटर की जैसे पहचान होती है, एज ये पहचान ऐसी होनी चाहिए कि भी संदीप सापला, शीनू चिराग दिल्ली, विक्की सोनीपत से है, ये ऐसे प्लेयरों के नाम पहचान होनी चाहिए हर स्टेट में कि भी ये भाई वहाँ से है। तो मैं कहना चाहता हूँ सभी से, जैसे फोगाट साहब अपने बहादुरगढ़ से, बहुत ही अच्छी बात है और वो बहुत ही बढ़ावा देते हैं प्लेयरों को भी। तो भाई मोनू भाई हैं अपने गड्डी बिंद्रोली से, राम राम भाई काले कालीन टूर्नामेंट भाई, अभी जस्ट लॉकडाउन खुलते ही पीरागढ़ी में टूर्नामेंट होना है काला की तरफ से। पर टूर्नामेंट ऐसा जब काला जो पीरागढ़ी कराया था टूर्नामेंट जबरदस्त, सभी भाइयों से यही निवेदन करता हूँ मैं, खेल को बढ़ावा जितना देश को, अंकित भाई राम राम, जितना देश को उससे बड़ा कोई भी नहीं है भाई। परविंदर ने ही बात की थी कि फेडरेशन ये करेगी, कोई दिक्कत नहीं मेरे को अभी। मैं कहता हूँ विपिन से मैंने बात की थी, बॉबी से बात की थी, कोई दिक्कत नहीं है, हम करवाएंगे भाई सब जगह नेट प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह नेट पहुँचेगा, हर जगह होगा। रमेश भाई राम राम भाई, हर जगह बिल्कुल पहुँच पाएंगे। और आने वाले टाइम में अगर आप सभी प्लेयरों को लाइव हमने टीवी पे दिखाया तो भाई अपने भाई का वादा आया, ऐसा प्रोसेस बना रखा है भाई कि हो सके। राम राम मोनू भाई, राम राम की भाई। तो जस्ट कुछ दिन हम लॉकडाउन हो गया उसके कारण बड़ी समस्याएं हो गई, बहुत बढ़िया बात है कि भाई अपने चलो हो गया, निमट गया, अपना घर पे रह गया हमने किया, नहीं तो लॉकडाउन नहीं होता तो फाइल लगा रखी है जो भी है डॉक्यूमेंट से, विपिन ने, जितेंद्र सभी ने मिल के वो एक लेवल पे जा चुके हैं, बस थोड़ा सा है वो उनसे बात हो रखी है, वो अपना काम हो जाएगा। और सभी भाई
खेलते हैं, जो बढ़िया बढ़िया टीमें हैं वही सभी टीमें बढ़िया हैं। कोई ये तो सोच के जाता नहीं कि मेरे को टूर्नामेंट हारना है, पर टूर्नामेंट हार जीत की कोई बात नहीं होती। दो प्लेयर होंगे, दो टीम होंगी, तो हारेगा भी जीतेगा भी। नहीं भाई काले, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कहता हूँ बिल्कुल भाई पवन, मैं भी खेल रहा हूँ। राम राम जीते भाई, राम राम जी हनुमान जी। मैं कहता हूँ भाई खेल तो मैं अब भी खेल रहा हूँ, ग्राउंड में अब भी खेलते हैं हम। कृपया हमारी संदीप हुड्डा जी की, जो उन्होंने स्पेशल अपना ग्राउंड देखा है, प्लॉट उनका, सब चीज़ें अवेलेबल कराते हैं वो। एक जो हमारा फ्रेंड्स क्लब है, छोटे बच्चों को बड़े बच्चों को सभी का उस पर बहुत बड़ा सहयोग है, और चाहते भी हैं हम कि हर अपना एक क्लब हो, सभी भाई जैसे गांव की टीम हो, उनका आपस में भाईचारा हो। ये नहीं कि एक एक बच्चा वहाँ भाग गया, एक बच्चा यहाँ आया है भाई। काले यादगार टूर्नामेंट आपने भी देखा था, बहुत सारे यादगार टूर्नामेंट हैं। जयपुर में थे, बसई में टूर्नामेंट था, बहुत यादगार टूर्नामेंट था भाई। उससे पहले जब आठ आठ प्लेयर जो जाते थे गाड़ियों में, भाई मैं अंकित भाई पहले वो काले बात का जवाब दे दूं, एक टूर्नामेंट आपके यहाँ भी बहुत यादगार था, जो लास्ट टाइम रेफरी के कारण जो मैच हार गए थे। चलो ये तो भाई होता है, रेफरी के भगवान नहीं होता, उसको दिखाई नहीं देती है बातें, भूल जाता है, नहीं ध्यान रहा है भाई। अंकित भाई मैं बहुत मैं सन 1999 से खेल रहा हूँ वॉलीबॉल। उस टाइम अपना सापले से ध्रुव भाई हुआ करते, सापला काला है, और इंद्रगढ़ से हुआ करते भाई, प्योर शूटिंग की टीम हुआ करती जो, और अपना इसमें जाट कोहली जी टीम आ रही थी, सबसे हम वॉलीबॉल खेल रहे हैं। फोगाट साहब नमस्कार, बड़े भाई आप सहयोग देते रहना, आपके छोटे भाई मेहनत करेंगे और रंग लाएंगे, एक दिन सभी को प्लेयरों को ऊंचाई तक पहुंचाया जाएगा। भाई न्यू जनरेशन के लिए ही मैं कह रहा हूं भाई, ये उसी के लिए, क्योंकि हमने और विपिन भाई ने बहुत खेल के देख लिया कहाँ तक है क्या है। नई जनरेशन के लिए कुछ हो जाएगा, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती, क्योंकि उन्हीं के लिए ही सब कुछ है। 20 साल हो गए भाई खेलते, हमने देख लिया, हर चीज़ देख ली, अपने बाड़े से खेल जाया करते। उसके बाद धीरे धीरे किराया मिलने लग गया, आईपीएल हुआ था लुधियाना में, वो खेला था भाई, और उसके बाद फिर किराया मिलने लग गया, थोड़ा बहुत किराया एडजस्ट होने लग गया। अब ऐसे करना है कि अपनी जो भी फेडरेशन होगी, वो टूर्नामेंट होंगे जो भी होंगे, सभी प्लेयरों को एक रहना होगा भाई, ठीक। जब यमुनानगर की टीम अपने यहाँ टॉप ली थी ना, उस टाइम सभी भाई मैं मानता था भाई टूर्नामेंट कहते थे कि यमुनानगर की टीम आ गई, वो तो जीतेगी, क्योंकि पूरे यमुनानगर का सेट बना के वो लेते थे। भाइयों ने कहा सहयोग हुआ, हमने अपना सेट बनाया है, क्या सापले की तरफ से टूर्नामेंट खेले, यमुनानगर जाके भी खेले, नाने के साथ भी भाई, बच्चे प्लेयर हैं, बहुत टूर्नामेंट खेले, जीते भी हारे भी। दिनेश का सुना भाई जयपुर वाला, उससे पहले संजय था, संजय भी बहुत अच्छा प्लेयर है, दिनेश भी, कमल भाई है भाई, परवीन नमस्ते, कमल भाई है भाई, जयपुर हम खेलने जाते थे पहले भाई। पहले का खेल एक सातों प्लेयर आ गेम होया करता था, सातों प्लेयर अगर अलर्ट हैं तो आप टूर्नामेंट बढ़िया खेल सकते हो। और आज के टाइम में पब्लिक की डिमांड थी कि गेम चेंज किया जाए, इसलिए उस टीम, क्योंकि पहले वाले गेम में 7-8 टीम ही रहेगी भाई, लोकल जो अपनी टीम थी वो उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए गेम चेंज करना जरूरी हो गया था।
भाई सही बात की फोकट साहब आपने। मैं कहता हूँ चलो, हमने भी अपने टूर्नामेंट में स्टार्टिंग जब की थी, जब तक ज्ञान नहीं था टूर्नामेंटों का, पहली बार टूर्नामेंट कराया था, उसके बाद समझ में आ जाएगा सबको कि क्या क्या करना चाहिए। और बदनाम बदनूम वाली बात भाई साहब यह है कि अपना करते रहो काम, अच्छाई बुराई तो हमेशा साथ चलती रहती है अपनी। भाई बेस्ट सेंटर तो बहुत हैं, पहले आपने जब देखा था परविंदर रहा, नाना था भाई, नीटा है, दानवीर है, कमल है, विक्की जो अपना है सोनीपत वाला बढ़िया खेलता भाई, विक्की अपना इसका करनाल वाला है, बढ़िया सेंटर खेलते हैं। सब प्लेयरों की अपनी टीम में अपनी जगह है भाई, जो टीम का जो सेंटर लेके आता है कमज़ोर तो लेके नहीं आता भाई। पर वही बात है कि अपना थोड़ा गेम जिसका होगा, टीम गेम है, थोड़ा सा वही बढ़िया निकल के सामने आएगा। बढ़िया पिन भाई जी। और तो फोगाट साहब आप जो कह रहे थे उसके लिए भी भाई, जब सावदा टीम तो उस टाइम मैं भाई काले भाई मैं कह रहा हूँ गुड्डू था जो अपना भाई, हर टीम का अपना वो है प्रभाव है यार। गुड्डू के साथ भी जे खेलता था, बहुत जबरदस्त खेलता था भाई, दिनेश भी खेला उसके बाद, अनिल भी खेल जाता सापले वाला उनके साथ, योगित नेट होया करता भाई, उस टाइम सेट था उनका, जो टीम आ रही थी बुढ़िया उनके साथ मैच खेल आ रहे थे, यो ए सापले का था। गुड्डू भाई का भाई नाम लिया, ऐसी बात नहीं है, हमारा बड़ा भाई वो। और उस टाइम जब जंप के मैच हार दे, रोहतक भी स्पेशल, विपिन और संदीप भी का हारता भाई, सावदेवाड़ा जोनू और जोनियर गुड्डू उनकी टीम आई, उनका मैच जरूर होना चाहिए जंप का, क्योंकि उनके कायल थे उस चीज के, वह क्वालिटी थी उस चीज की उनकी। तो गुंडू था भाई, गुंडू का उसका मैच हुआ करता भाई, मैं खेला हूँ भाई पूठ में, टूर्नामेंट था चकदे गांव में जंप का, जब मेरे को चोट भी लगी थी। शास्त्री है यूपी से, बिल्कुल ठीक बात है भाई, सेंटर बहुत बढ़िया है, हमारे साथ नेशनल भी खेला है वो, और बहुत टूर्नामेंट भी खेला हमारे साथ वो भाई। भाई बोई भाई राम राम, बहुत बढ़िया भाई साहब, बोई भाई आ गए हैं, इसलिए मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अनिल कौन सा भाई, सापले वाला, मैं फिर एक बात कहता हूं, जितने भाई हम आपस में भाई अपना कसरेटे मास्टर जी भी, मैं सभी प्लेयरों को कहता हूं भाई, सभी प्लेयरों के नाम ले सकता है, सभी प्लेयर बहुत अच्छे हैं, यूपी से भी, पंजाब से भी, अपने हरियाणा से भी, दिल्ली से भी, राजस्थान से भी, और बाहर भी खेल गए, जैसे विपिन हम महाराष्ट्र साइड से बहुत अच्छे प्लेयर हैं। हर प्लेयर की अपनी एक क्वालिटी होती है, गेम चेंज करना एक एक्सपीरियंस होता है भाई। जैसे अनिल सिरसा से है, बिल्कुल भाई, जोधपुरिया, उसके साथ भी खेले हैं, पनियारी गांव में खेला था मैं टूर्नामेंट भाई एक, जब मीडियम हम बहुत कम खेलते थे, अनुज है जैसे सापले, वो हमारे साथ गए थे खेलने पनिहारी गांव में, टूर्नामेंट हुआ था तो बहुत बढ़िया खेलते थे पनिहारी मंदिर, वहाँ देखा उस टाइम गेम, अब हमारा गेम ड्रॉप का था, वहाँ उनका ड्रॉप का ही था, इस चेंज किया गया उन्होंने थोड़ा 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 करके, अब यहाँ पे अभी सापला से जैसे अब बुंडू है, अब कभी सेंटर खेलता नहीं था वो, सेंटर खेलते देखता हूँ, बहुत अच्छा खेलता भाई, क्वालिटी है, एक्सपीरियंस है, प्लेयर का एक्सपीरियंस ही बोलता भाई। टूर्नामेंट खेलते हैं, सब खेलते हैं, अभी क्या करना चाहिए, अब टाइम आउट लेते हैं, कुछ टीमें तो टाइम आउट लेती है अपना मजा करने के लिए, कुछ टीमें टाइम आउट लेती है कि अब गेम प्लान क्या होना चाहिए। मैं जोनी के साथ भी भाई और नीटे के साथ भी मुंडूर हमने सेट बना, बीडे भी खेल के देख लिया अपना मिक्स करके भी, बहुत राजनीति की बात यह है भाई,
राजनीति, अब जो हमने काम किया उसमें किसी की कोई राजनीति होगी, सभी प्लेयर एक समान होंगे और जो भी पदाधिकारी होगा वो प्लेयर ही होगा, उसको हमने ऊपर उठवाना है बस, और कुछ नहीं है। इस गेम को सिर्फ ऊपर उठाना है भाई। नीटू मास्टर अपना एक कसेटी वाला भाई हमारे साथ बहुत सेंटर खेला भाई नीटू मास्टर। तो भाई बालो टीम का तो हमारा जैसे घर परिवार का ही अपना सभी प्लेयर है, वैसे घर परिवार का सभी टीमों से, पर हम आते जाते रहते हैं। बालोट जीता भाई अपना रोहतक आ जा रहा था हमारे ग्राउंड में, हम वहाँ चले जा रहे थे। तो बहुत अच्छी है उनकी, बहुत अच्छे जो उन्होंने प्रोग्रेस की है ना आने वाले कुछ ही समय में, जीते ने इतनी मेहनत की है भाई कि उनको पंजाब ले जा रहा था खिलाने के लिए। देखो ना कितनी मेहनत, यह मैंने जैसे हमने की थी विपिन भाई की गाड़ी में 9 बंदे बैठ के, कभी मथुरा कदे जयपुर कदे कहीं पे, सभी देखा होगा आप उस आल्टो में 9 बंदे कभी कहाँ। तो भाई ये कोई बस ना भाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी टीम थी, बहुत बढ़िया खेलते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ भाई हाँ बिल्कुल, पर राजनीति वाली बात थी कि उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि सभी भाई एक रहेंगे, कोई प्लेयर होंगे जो भी पदाधिकारी होंगे प्लेयर ही होंगे। जैसे फॉरवर्ड साहब हैं ये प्लेयर ही हैं, विपिन भाई प्लेयर हैं तो प्लेयर ही थे, तो यही पदाधिकारी आप मैं कोई भी पदाधिकारी बनेगा वो सिर्फ प्लेयर ही बनेगा। फाइनेंशियल दिक्कत आएगी भाई उसके लिए भी, मैं कहता हूँ भाई इतने भाई हैं, इतने भाई खेलते हैं यार, क्या कुछ भी कर सकते हैं हम। किशोर भाई बहुत बढ़िया टूर्नामेंट कराते हो आप, बहुत बढ़िया जबरदस्त। अरुण कुमार जी नमस्कार, भाई मैं इसी बात को तो कह रहा हूँ कि राजनीति जो चीज़ है ना वो प्लेयर को नुकसान ही पहुँचाती है। आज कोई मेरे से बढ़िया प्लेयर खेल रहा है और मैं उसको तोड़ दूँ और अपनी टीम में कर लूँ, ये राजनीति बहुत गंदी चीज़ है भाई। जब नीटू एक देख साफ सुथरी बात बताऊँ, कोई नाराज़ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, साफ सुथरी बात मेरी नाना की, जब टीम चली थी जब नाने ने नीटू को अपने अंदर कर लिया, क्यों नीटू उसको मारता था ड्रॉप के टूर्नामेंट दे, अपनी टीम खराब करी, पिंटू को स्कोरिंग से हटाया वह दिनेश भाई तुम्हारा, तो ये राजनीति थी भाई। और मैं कहता हूं नहीं भाई, आज भी लोग लाइव आकर राजनीति करेंगे ना ये गलत बात है। मैं जो प्लेयर कहता हूं अपनी राजनीति कोई बात नहीं भाई, ठीक है, डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है भाई, थाने से नहीं, ऐसे सब की दिल की भावनाएं होनी चाहिए। और मैं कहता हूं जब ये टीम का खराब करने वाली बात होती है, भादगढ़ की टीम था सेट बन गया, सेट बढ़िया बन गया भाई, बाबा का भी असमनी बढ़िया खेलने लग गए, तो बनाओ अपना यार सेट, एक नाम होना चाहिए। अरे भाई ये हमने अपना सेट बनाना तो साफ लिया, फिर बाद मैंने महसूस होया कि एक तो मैंने पुंदर ले लिया, एक अपना नाना भाई ले लिया भाई साइड, एक मो हो गया विपिन हो गया, चलो बना दिया वो था भी बढ़िया हो गया सेट हो गया चलो हो गया, पर बाद में महसूस होता है कि हम इतने प्लेयर बनकर एक सेट बना दिया और जीते भाई बहुत टूर्नामेंट जीते भाई, इस बात के लिए बारे में हमको नहीं कि बहुत टूर्नामेंट भी जीते, पर बाद में पता चला नाने गाँव की टीम बहुत बढ़िया थी भाई, जो टोले टीम थी ये सब टीम खराब हो गई भाई, बिल्कुल थी यमुनानगर की ऑल इंडिया की टीम थी भाई, इस बात के मारे तो मैं कह रहा हूँ भाई भाई। तो ये एक गेम प्लान तो था उनका पहला, अपना प्रॉपर अपना सेट था उनका, उनका नेटमैन था गॉड गिफ्ट था भाई नेटमैन, तो ये बात मैं कह रहा हूँ। तो भाई इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा अब उनको, ठीक। तो एक फॉर्मेट बनाया जाएगा बिल्कुल सभी भाइयों से साथ मिलके, फौगाट साहब और ये सब के साथ मिलके फॉर्मेट बना के उस फॉर्मेट पे ही खिलाना अच्छी बात होगी। अगर अलग
अपने गांव के रूल के हिसाब से, अलग 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 के रूल के हिसाब से, तो फिर क्या फायदा उस चीज का भाई। भाई किशोर एक बात कहता हूं आपको, यह बात आपने ठीक कहा कि बढ़िया भाई अंकित भाई कि बाहर से टीम बुलाते हो आप, टीम नहीं आती, क्योंकि कुछ टूर्नामेंट है ना जयपुर में आपके कारण नहीं और किसी के कारण टीम आई और उनको कहा अभी आज नाइट को ही आपका टूर्नामेंट फिनिश कर देंगे, फिर वो बात नहीं बनी, अगले दिन टूर्नामेंट कराया, कुछ टीमें वापस भी आएगी कुछ टीमें रहेगी, तो इस कारण से टीमों का आना बंद हो गया भाई साहब। और अब तो जो शेड्यूल बनाया जाएगा प्रॉपर फेडरेशन के द्वारा खेला जाएगा, अभी एक दिन का टूर्नामेंट है तो एक दिन का ही टूर्नामेंट होगा, दो दिन का, दो दिन का पहले ही बोल के होगा ये फिक्स होगा जी, ये मैच होंगे, ये उनका शेड्यूल है, ये वो सब कुछ जो फॉर्मेट बनाने कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, तो सभी भाइयों के साथ मिल बैठ के, सभी के साथ, हर स्टेट के साथ में, हर डिस्ट्रिक्ट है जो है कि अपने पूरे भाइयों से बात करके, या कितना टाइम, हेलो कितना ही भी नहीं लगता टाइम भाई, कोई टाइम नहीं है, सभी भाई बैठने में, या एक टूर्नामेंट है 10 भाई बात करेंगे, अगला टूर्नामेंट है एक महीने के अंदर सारे टूर्नामेंट जितने तो आए हैं, बहुत सारे टूर्नामेंट सब में बात कर लेंगे, फोन ऐसी सुविधा भाई सभी ऑनलाइन अपने होके उससे भी बात कर सकते हैं। एक बनाना चाहिए रूल, ठीक है रूल बना के सभी के साथ अपना जो भी बने उसी के हिसाब से अपना खेलना चाहिए। राम राम गौरव भाई। बिल्कुल भाई, डायरेक्ट वॉलीबॉल में थर्ड बॉल अंडर हैंड और 6 प्लेयर का फॉर्मेट बनाना, बिल्कुल 6 प्लेयर ठीक है भाई, तेज गेम हो जाएगा, अच्छा गेम चलेगा। इसलिए कहता हूं मैं कि एक चीज जो है हम सोच रहे हैं उस लेवल पे भाई की तो इच्छा भी ले जाने की, और रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम सभी से कि उस चीज को लेके जाना है, जो हमारे छोटे भाई ना ये फायदा उठा सके इस चीज का, महाराष्ट्र में मान्यता है भाई इस चीज की बताओ, और वहां पे उनको नौकरी मिलती है। भाई यह बात मैं पहले बोल चुका हूं नवीन भाई, 100-150 बालक बिल्कुल खेल रहे हैं, रोहतक में सेट नहीं है ये, एक फिर वही तो मैं कह रहा हूं ना कि जाना चाहिए भाई साहब, रोड़ी गाड़ी का कोई काम नहीं है यहाँ कभी भी, ये तो एक होता है ना कि भाई इसके ऊपर लगा दिया, ये तो करे करा थोड़ा बहम रहे लोग आगे, इस चीज का बहम है, मैं कुछ कह नहीं सकता। राम जदी भाई आपकी बात पे हूँ मैं कि कई टूर्नामेंट हो लिए, मतलब आते हैं सभी के सामने कर देते हैं, जो भी होता है रोना भी चाहिए फिर, या मैं हो या आप हो चाहे और कोई हो, अनफेयर हुआ तो अगले वाले टूर्नामेंट में जो टूर्नामेंट करा रहा है टूर्नामेंट तो और कोई जीतेगा, बेइज्जती अपनी होनी है जी। हाँ बिल्कुल भाई सुनू एक ही होगा दानिर भाई, तो मैं इस बात के लिए कह रहा था भाई नवीन के 100-150 प्लेयर हैं खेलते हैं, चलो भाई बनाते हैं रोहतक का सेट बनाओ भाई, मेरी जिम्मेवारी रही भाई उन लेकर जाया करूँगा मैं, हर जगह टूर्नामेंट खेला करेंगे। तो फोगाट साहब एक ये अपना जो छोटा सा फेडरेशन बेड़ा ठाक बढ़िया काम करने छोटे भाईती हो जाएगा, और एक बढ़िया चीज़ है जो मैं कहता हूँ सबकी अपनी अपनी भावना होनी चाहिए, भाई राम रमन बहुत बहुत आपकी बधाई हो आपको भी, फेडरेशन मैं नहीं कहता मैं हूँ, कोई भी हो उसके लिए सब के लिए, और एक अच्छी चीज़ आना चाहिए। और अच्छा टॉस कराने नहीं जाऊँ या भी ओली भाई, टॉस भी अब टॉस का भी भाई कह रहा है उसकी भी बिल्कुल ठीक है भाई,
इस गेम को सिर्फ लेवल पे लेके आना भाई, कि हम सारे भाइयों का एक नाम हो, चाहता हूँ मैं। और आज टूर्नामेंट वैसे हर जगह बढ़िया होते हैं, फोगाट साहब कराते हैं टूर्नामेंट बहुत ज़बरदस्त कराते हैं, बालोट भी कराया भाई बढ़िया, नीचा नेट करके गेम तेज कराने के लिए बहुत अच्छी बात, जयदीप कराता है भाई, गड्डी बिंदरौली में टूर्नामेंट हो भाई, और अपना इस साइड में पथरीड़ी टूर्नामेंट है बहुत बढ़िया भाई, दिल्ली में होते हैं बढ़िया टूर्नामेंट हो भाई। पर भाई अंडर हैंड गेम में रैंक टू और टू थ्री में भाई बात यह है, अंडर हैंड गेम ज़बरदस्त है ठीक, कोई बात नहीं बढ़िया गेम है, पर उसमें भी कुछ रूल देने पड़ेंगे। एक तो प्रॉपर हाइट नहीं देनी, भाई जी हम खेले थे फूट में खेले थे टूर्नामेंट, और फाइनल मैच हम जीते थे, उससे पहले जमका मैच भी जीते थे, बहुत ज़बरदस्त टूर्नामेंट था, एक वाटिका में टूर्नामेंट था वो, और उस टाइम दोनों टीमें बहुत अच्छी खेलते थे, पूरे पीक पे थे, उंडू भी पूरा अच्छा खेलता था, जो सोच मैच निकालने की कलाकारी की जो उंडू में देखी थी मैंने, करकाया करता अभी कि भाई ऐसे, पर समझ जाया करता भाई, गुड्डू समझ जाया करता बात को पहले, हाँ भी हम भगाएगा बोलिए, पर बहुत अच्छे खेलते थे भाई, टूर्नामेंट बहुत अच्छे रहे। कराया था बिल्कुल भाई। कोड ड्रेस कोड था बिल्कुल भाई दानवीर भाई, बिल्कुल बिल्कुल ड्रेस कोड प्रॉपर, यार हमारी अपनी क्वालिटी होगी, हम किसी जगह पे जाएंगे एक ड्रेस कोड में जाएंगे तो अलग से लगेगा ना भाई, और होना भी चाहिए, मैं कहता हूँ बिल्कुल होना चाहिए, एक प्रॉपर ड्रेस कोड में होने चाहिए सभी प्लेयर, शूज हाँ बिल्कुल, एक किट बनाई जाएगी प्रॉपर, किट का भी अगर ये होगा ना, मैं कहता हूँ मैंने इनसे बात की थी भाई, किट का भी अगर ये है ना जो हम टूर्नामेंट कराए, एक किट का टूर्नामेंट कराए, अगर 100 टीम भी आएंगी ना, 100 टीम को ही किट देने का हम अपना वो रखते हैं भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, एक टीम को 8 किट, फोगाट साहब जैसा आपको हो गए 100 किट बनवा, अगर 100 अगर ये कहें ना टूर्नामेंट है भाई 100 किट आने हैं, 100 टीम आएगी 100 किट ले आएंगे भाई, टूर्नामेंट होगी पूरी एक टीम की एक किट 8, और प्रॉपर ड्रेस में फिर वही खेलेंगे भाई अपना, और भी कोई दिक्कत होगी उसके लिए भी हम तैयार हैं, भाषा वैसी कोई बात नहीं है जैसे आपको, पर ये मैं कहता हूँ भाई फेवरेट प्लेयर मेरा फोगाट साहब है अपने, विजेंद्र फोगाट जी, बहुत मैंने कई बार इनका गेम देखा है, आज के टाइम पहले से टाइम में फेवरेट मेरा भाई अनुज था, चेस नील था भाई दिल्ली वाला ठीक, और भगते था गड्डी कुंडल से, उनके में बहुत अच्छे प्लेयर थे वो, उनका भी बहुत मैच देखे, मैच भी खेले हमारे साथ, फाइनल में हम जीते भी हैं कई बार, अंकित आज का टाइम अंकित पथरेड़ी भाई अच्छा प्लेयर है, व्यवहार बहुत अच्छा भाई, एक प्लेयर से ही काम नहीं चलता भाई लाडो, प्लेयर तो बस एक खेलता है नाम हो गया, पर उस पे अपनी अच्छाई और बुराई क्या चीज़ है उसके अंदर, तो ये होना चाहिए, बहुत अच्छा है, मैं बहुत स्टार्टिंग में उस साइड गए जब उसका बहुत देख गेम देखा, बहुत मैच देखे भाई, संदीप भाई राम राम, आख्या चल गई
टीम थी भाई उनकी भी, बहुत बढ़िया टीम थी वहाँ से भी। भाई साहब ये एक ऐसा प्लेयर है, चाहे किसी भी टीम को जितवा दे, चाहे किसी टीम को हरवा भी सकता है। ये बढ़िया जगह भाई, शिनु भाई राम राम भाई। बिल्कुल हमारे वकील साहब प्रो, अपना यही बात है ना, टाइम पास ग्राउंड के लिए ही बस अपना गेम खेलते हैं, नज़दीक जो टूर्नामेंट था खेल लेते हैं। तो भाई साहब सिरडी भाई अच्छा है, भाई अंकित पथरेड़ी का कोच तो भाई किसी का कोई ना कोई तो कोच हो है भाई, कोच तक ये हमसे बड़े होते हैं वही कोच होते हैं, हमको सिखाते हैं भाई ऐसे बोल लेनी है ऐसे लेनी है। और अंकित का गेम भाई अंडर हैंड में बहुत ज़बरदस्त है, मैंने गेम देखा भी, वहाँ भी देखा था अपना झुंझुनू भी बहुत अच्छा खेलता भाई। और ड्रॉप किया जब टूर्नामेंट हुआ दे सीनू, भाई टूर्नामेंट खेले थे भाई एक मथुरा में, सावधे वाले गए थे वहाँ पे, बहुत ज़बरदस्त टूर्नामेंट था एक टूर्नामेंट, वो भी भाई उसी टाइम आते ही नेक्स्ट दिन जयपुर इसमें गए थे यूपीपी में, वहाँ बहुत ज़बरदस्त टूर्नामेंट था। नीरज भाई बहुत बढ़िया, नीरज भाई को तो भूल ही गए, जैसे साइड कहते हैं ना कि वो ये साइड वो साइड, मैं कहता हूँ नीरज की जो प्रॉपर साइड है ना बहुत अच्छी साइड है, उससे अच्छी कोई साइड नहीं मानता भाई मैं। जैसे नाना था, नाने के बाद उस टाइम की टॉप की साइड वायर थे अपनी भाई। अरे हमारा सिरडी भाई 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 साहब फोगाट साहब आपकी उसी बात पे कहता हूँ भाई, गोवाना टीम बहुत अब ऊपर हो गया है भाई, विपिन भाई बहुत नाम चल रहा है भाई, कमल का अपना बहुत ही अच्छा गेम है अपना गेम वो दिखाते हैं, और बोलता भी उनका गेम भाई। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो फोगाट साहब, और भाई एक इनका टीम सेट की एक भाई, जैसे यूनानगरी टीम सेट हो गई थी इस तरह से चिराग दिल्ली अपन टीम सेट हो गई थी, इसी तरह सांप लेके एक टीम सेट हो गया था पूरा। तो अब जैसे जैसे अंडर हैंड हुआ सीनू का गेम, जैसे भाई अपर हैंड का बहुत ज़बरदस्त था, अंडर हैंड में अब क्या करें, इतना लंबा खेलते नहीं थे, एक गेम कितना लंबा खेलते थे, कितना लंबा चलेगा कितना लंबा चलेगा, आध घंटा एक घंटा। भाई जयदीप अपना छोटा भाई है और उसको शादी की बहुत सारी मुबारकबाद, और मोटा भाई जो हमारा लाइव चलाता है छोटा भाई, उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमको घर बैठे मैच दिखा देता है। और जयदीप का बहुत बढ़िया गेम भाई, ड्यूटी करता फिर भी खेलता, मना करता मेरे को कई बार, भाई साहब ड्यूटी कर का नहीं चलना टूर्नामेंट में, मैं भाई खेल लेंगे चल। तो ये कुछ चीज़ें हैं भाई, जैसे कह रहा था मैं नीरज की बात कर रहा था कि उनकी प्रॉपर अपना सेट बनाया हुआ था, इसको यहाँ खेलना उसको यहाँ खेलना, ड्रॉप में जैसे ही गेम चेंज होया डिमांड आई पब्लिक की, फोगाट साहब लॉकडाउन खुलने दो मैं आपको पार्टी देता हूँ अपनी तरफ से छोटे भाई की तरफ से। और मैं कहता हूँ कि भाई साहब जैसे ही ड्रॉप का ख़त्म होया अंडर एंड शुरू होया विकी भाई राम राम, तो ड्रॉप के जैसे प्लेयर थे राजेश हो गया था, ये नीटू था, पांच या छह टीम ही रह गई थी भाई साहब ड्रॉप की, जयपुर से संजय हो गया कमल हो गया दिनेश हो गया, ये आते दो टीम बना के, तो छः सात टीम में टूर्नामेंट अभी वो बात नहीं होती थी। अब अंडर एंड में भाई साहब ये नहीं पता लगता कि कौन सी टीम कौन सा टूर्नामेंट उठा देगी, इस चीज़ के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि ये इतना फास्ट गेम इतना बढ़िया क्वालिटी वाला गेम होना चाहिए कि सभी भाइयों को लगे कि
बहुत ही अच्छा मैच चल गया, सबको देखने में पसंद आए। हमको तो भाई मजबूरी होती है, टूर्नामेंट में गए खेले अपना मैच हो गया, चलो एक मैच आ गया था बढ़िया आ गया देख लिया। मैं कहता हूँ सोने की जिज्ञासा ही ना हो, कोई भी मैच चले कि ऐसा हो कि भी मैच इतना ज़बरदस्त चल रहा है कि उसको देखने की इच्छा रहे, ऐसे नियम बनाएं, इतना तेज़ गेम हो, क्वालिटी हो गेम में, क्योंकि हर चीज़ में कुछ क्वालिटी होती है तो ही वो मार्केट में जाती है। जब तक हम गेम में क्वालिटी नहीं डालेंगे, जब तक मार्केट में कुछ भी चीज़ अपनी नहीं देखेगा कोई, और कोई नहीं देखेगा तो इसका मतलब हमारे अंदर कुछ क्वालिटी नहीं है भाई। चार टीम होगी, क्या कर ले बताओ भाई, चार टीम आई टूर्नामेंट खेल लेना जीत लेगी। अरे हर चीज़ की अपनी क्वालिटी होनी चाहिए, जब ही तो मैच 10 टीम आ गई तो पता होना चाहिए 10 टीम में कोई भी टूर्नामेंट जीत का भाई, ये नहीं एक का नाम रख दिया। भाई नीरज भाई छोटे भाई बिल्कुल बिल्कुल रूल फिक्स होंगे भाई, अंडर एंड के बिल्कुल ही रूल फिक्स होंगे सभी के, बिना रूल के तो चलेगा नहीं ना। आप यहाँ से ले जाओ करनाल साइड में चले जाओ, पट्टी लग के जो टच आएगी उसको उठा लेंगे, अंडर एंड चल रही, हमारे यहाँ पे क्रॉस करना होता है तो एक रूल नहीं होगा, तो वही अलग अलग रूल में तो अलग अलग प्लेयर ऐसे ही दिक्कत होती रहती है। भाई रूल तो बनके ही गेम को निखारा जा सकता है। एक कहते हैं अभी कैची फाउल हो गया, चलो कैची फाउल कर दिया यार, उसकी लिमिट थोड़ी है कैची जी, कहाँ तक लिमिट है बताओ, क्या फाउल है, किस चीज़ का फाउल है। जो प्योर शूटिंग खेलते हैं, प्योर शूटिंग मैंने भाई खेला हुआ, खुद देखा हुआ है, कोई रूल नहीं है। रेफरी जब चाहे जिस टीम को जिता सकता है, जिस टीम को चाहे हरा सकता है। वहाँ भी सिर्फ नाम चलता था, जौन सी टीम जितानी है, जिसको शहर में जौन सी टीम पसंद हो वही रेफरी उसको जिता देता था। कितना ही बढ़िया शॉट लगा देते भाई, रेफरी एक बार फाउल करके रातों की तरफ इशारा कर देता था फाउल, तो बताओ हम क्या कर सकते थे, कुछ भी नहीं। तो रूल ऐसे होने चाहिए ना कि पता हो सभी को कि भाई हाँ ये चीज़ में ये फाउल है, और ये सभी भाइयों की आपस की उससे होगा भाई। भाई लॉकडाउन के बाद बिल्कुल नीरज आपकी बात मान ले हैं, लॉकडाउन के बाद यो प्रोग्राम बिल्कुल है ख़त्म होते ही, जिस टाइम भी परमिशन मिल गई अब कर रखे थी भाई। और आप कहते तो स्पेशल आपको लेके चलेंगे, और ये बात हो चुकी थी, अभी लॉकडाउन हो गया, जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हो जाए प्रॉपर पूरे वर्ल्ड में टीमों को इनवाइट किया जाएगा, अपने यहाँ बुलाया जाएगा, यहाँ उनके मैच कराए जाएंगे। भाई भाई सब रेफरी ऐसे नहीं, पर जब फेडरेशन दबाव देती है ना तो रेफरी अपने आप ही काम कर देता है भाई। और मैं कहूँ भाई तेरी बात ठीक है सीनू भाई, आपका गेम पहले था अब वो खराब हो गया, उसी बात को मैं पहले बोल चुका हूँ। और वो फिर वही ना बात ना भाई, सीनू प्लेयर नहीं थे, ये बड़े बड़े सब प्लेयर सोचते हैं भाई एक लंबू को पकड़ लो फिर दूसरे लंबू को पकड़ लो, गेम तो वही था बढ़िया, सब तो प्लेयर अलर्ट रहते थे, अब अंडर एंड उठकाओगे आराम से खड़े रहो भाई, चल ठीक है चल पड़े, बहुत बहुत बेहतर गेम था भाई उस टाइम पे।
करेंगे बिल्कुल भाई। सिनू भाई मैं स्पेशल आपको ही इनवाइट करना चाहूँगा, वो भी भाई इसको ज़रूर लेके आना जब भी बैठें कहीं पे भी, जो भी डिसाइड होगा। ये मजाक हर चीज़ अलग अलग चीज़ होती है, मजाक अपनी जगह होता है, गेम प्लान अपनी जगह होता है, और जो आप कह रहे हो ना ये किसी को नहीं पता होता कि मैं कब क्या खेल लूँगा। एक प्लेयर जो गांव में खेलते थे, छोटे से लगा लो आप, कबड्डी जो खेलते थे, कुश्ती खेलते थे, उनको पता नहीं था मैं कब क्या खेलूँगा। बढ़िया खेलते 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 एक गेम खेला, तो इस तरह से पता नहीं होता कौन प्लेयर कहाँ गेम खेल के आएगा। राम राम भाई, राम राम भाई, गोविंद भाई, अमित भाई। तो मैं किसी बात कर रहा हूँ, जैसे रवि है, अब रवि बहुत अच्छा खेलता है, हमारा खेलता अभी खेल है उसका, पंजाब में गया, पंजाब में ने उसका गेम देखा दो बार हमारे साथ का, फिर वो वहाँ रहने लग गया, उसने अपना नाम कमाया। जैसे पंजाब में रवि को सब रवि के नाम से जानते हैं, बाई नेम बाई फेस, क्या भाई रवि भाई है। तो इस तरह से अब पंजाब में, हरियाणा में, एनसीआर में से जानते हैं, पूरे इंडिया में हर प्लेयर को एक अपने नाम से कोई जाने, ऐसा गेम हमको रूल बना के करना है कि सबको पसंद आए, पूरे इंडिया का अपना एक रूल हो वॉलीबॉल के। भाई काले भाई इंटरेस्टिंग तो बनेगा, सब रूल होंगे जैसे भी बनाएंगे डिसाइड करेंगे, और गेम थोड़ा फास्ट होगा, अटैक पे अटैक होगा, तो वैसे ही गेम थोड़ा सा मज़ा आएगा। जग्गा डाबरा की टीम बहुत अच्छा खेलते है भाई, बहुत टूर्नामेंट खेले उन्होंने भी, मैं हम भी वहाँ खेल गए। भाई बिल्कुल होती थी एक ग्राउंड की टीम, ठीक बात है नीरज भाई, बिल्कुल भाई सावदेव टीम बहुत अच्छी थी, खेलती थी और बहुत टूर्नामेंट जीते भी भाई। चकदे पूठ उनके साथ साइड खेला था, पहला विजय खेला था, टकला नेट खेला बहुत भाई उनके साथ, गौरव भी खेला नाइटमैन बहुत भाई, गौरव हमारे साथ ही बहुत खेला, चिराग दिल्ली के साथ बहुत खेला, निन्ना खेला उनके साथ, भाई नीरज पब्लिक की डिमांड और हम आप सबका गेम, एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए। ये पहले वाला गेम पब्लिक की डिमांड थी अपने यहाँ की, रेवाड़ी साइड में या सिरसा साइड में, हिसार साइड में वो गेम नहीं खेलते थे, उनका अलग गेम था। अब हम चाहते हैं कि सबकी एक डिमांड हो, तो एक गेम होना चाहिए। बिल्कुल सही काले का भाई, पर अपने अनटच जो बोलोगे उसके साथ ऐसा ही कुछ सोचा, मैंने बात भी की थी पिंते भी, उदम बोबी भाई आया था उदम रोहतक सुनान टूर्नामेंट जब, वहाँ भी बात की थी कि अनटच जो बॉल मारेगा, ये ड्रॉप प्रॉपर तरीके जो बॉल लगेगी उसके रिप्लाई नहीं होगी, अनटच लग गई तो 2 पॉइंट होने चाहिए, ऐसा कुछ ही रूल में करेंगे, सोचा है बिल्कुल। तो एक रूल होने के साथ ही मैच बढ़िया लगेंगे भाई, नीरज कह रहे थे आप, अरे होना ज़रूरी है, इसके बगैर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ऐसे करें। और फोगाट साहब से मैं लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद स्पेशल रिक्वेस्ट करूँगा, हम आएंगे एक दिन, या आप यहाँ रोहतक आना, आपका मोस्ट वेलकम भाई साहब, स्वागत है आना, और एक बैठ के जितने भाई और सारे जितने भाई हैं, एक जैसे भी जो भी नेक्स्ट टूर्नामेंट लॉकडाउन के बाद खुले, लॉकडाउन ख़त्म
ख़त्म होते ही तो एक बढ़िया टूर्नामेंट जो हो उसमें बदलाव ही आना चाहिए, बदलाव के साथ टूर्नामेंट होना चाहिए भाई साहब, वो रूल रेगुलेशन के साथ। भाई साहब राम राम नरेश भाई साहब। और जो भी फर्स्ट टूर्नामेंट हो भाई साहब, मैं प्रॉपर तरीके मैं चलूँगा आपके साथ में, कितने भी अपने हरियाणा में कहीं भी कोई जो अपनी टीम पहुँचे वहाँ सारे भाई मिलकर एक बात करके टूर्नामेंट कराने वाले से पहला अच्छा दो बजाना पड़े अपा ने कि भाई इस टाइप का टूर्नामेंट करवा ले और जिसमें मजा भी आओ पब्लिक ने भी और सारी चीज़ों में। और कोशिश वैसे बहुत चल रही है अभी कि उसके तो किसी बड़े चैनल पे कोशिश करेंगे, कोई स्पॉन्सर से बात की हुई है, वहाँ बात हो गई तो गेम प्लान जो बनाया है पसंद आया उसको एक दो वीडियो बना के भेजेंगे, पसंद आ गया तो फिर वो मान जाएगा। वैसे मानने वाली बात है, हो रखी बात उससे। और उसी से हर गांव में हर चीज़ में भाई पंजाब का अपना फॉर्मेट है, हमारा अपना फॉर्मेट है, जो भाई कहेंगे वो सब भाइयों का मिला जुला फॉर्मेट बनाएंगे भाई खड़े भाई, और सब का भला होना चाहिए इसमें। यानी कि मैं अपना फॉर्मेट देखता हूँ कि वो देखते हैं रेवाड़ी साइड की इतनी टीमें सबको वहाँ बढ़िया बढ़िया प्लेयर हैं सबको बुलाया जाएगा, आड़ी है, ओलू है, लिल्लू है, अंकित पथड़ेड़ा, दानवीर है, प्रेम है, हर जगह से फरीदाबाद के भाई हैं, NCR में आप सब हो गए, चकदे हो गया, काले अरे चिराग दी सारे हो गए भाई, सारे भाई बात करके जब बनाया जाएगा। भाई साहब बिल्कुल सही बात है काले भाई, जब अगर पब्लिक को मैच पसंद आने लग गया ना, अगर मैं कहता हूँ 10 गांव के दूर भी की कोई टूर्नामेंट है ना तो 10 गांव के जो देखते हैं मैच वो 10 गांव दूर देखने जाएगा, और उसको देखना ही पड़ेगा क्योंकि उसकी मजबूरी हो जाएगी कि भाई वहां ये टीम आ गई आज वो जाना है मैच देखने जाना टूर्नामेंट देख कर आना है। ऐसी क्वालिटी कर देनी है इस मैच में भाई, और मैं सभी भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी टूर्नामेंट हो अपना, चंद मेरा है, चंद नरेश भाई ने कराया, चाहे फोगाट साहब ने कराया, साफ ले करा दिया, सोनीपत करा दिया, कौन सी भी जगह है, सभी भाइयों से बात करके होना चाहिए कि भाई टूर्नामेंट है, ये नहीं कि आज मैं करा दिया जिद्दा में आज जब उस डेट में उसने करा दिया, नहीं, या मैं हूँ चाहे फोगाट साहब टूर्नामेंट करा रहे, मैं भी करा रहा हूँ, बायकॉट बिल्कुल किसी या कोई बर्दाश्त नहीं भाई, सब पैसे लगाते हैं अपने लिए और सब पब्लिक के लिए लगाते हैं ना, तो अपने घर पीछे है ना सबके, बायकॉट कर देना चाहिए उसका भाई, सब कोई भी हो कितना ही बढ़िया प्लेयर हो या बात हो तो भाई सब भाइया मानने की बात है भैया, ठीक है। इस बात के लिए मैं कहता हूँ हर टूर्नामेंट की अपनी क्वालिटी होती है भाई, हर चीज़ की अपनी वो होती है अहमियत, कोई टूर्नामेंट कराता है इतने पैसे लगा के और तो फिर उसको खराब नहीं करना चाहिए हमको, दूसरा टूर्नामेंट करा दिया यार जो बोधी टीम अपने सोची बुढ़े चाल भाई बुढ़े चाल भाई, नहीं उसको बायकॉट करो बिल्कुल, एक दिन में दो टूर्नामेंट कोई नहीं चाहिए भाई हमें, प्लेयरों के लिए टूर्नामेंट कराए जाते हैं, जब प्लेयर ही टूर्नामेंट में नहीं गए तो वो तभी हम अपने आप को सुधार, ठीक भाई इससे अलग नहीं सुधरेगा गेम, और होना भी चाहिए, सबको कहता हूं भाई। फोगाट साहब बताओ भाई ऐसा होना चाहिए सबके लिए, और सारे भाई रिक्वेस्ट करता हूं मैं जितने देखे हैं भाई, और वो बताओ भी चाहे बाद में देखे हैं के भाई एक दिन में एक टूर्नामेंट कराओ, प्लेयर का भी फायदा होगा, देखने वाले का भी होगा, मजा भी आएगा, ये नहीं कि यो टूर्नामेंट आ रही अगले बाज लिया अगले, अरे शरीर तो अपना ही है, हमने भी किया भाई एक टूर्नामेंट जीते आ रहे अगले भाग लिया अगले, पर अब महसूस होता है इस चीज़ों का, अब भाइयों ने मौका दिया जो मेरे को लाइव आने का, तो मैं इसलिए कह रहा हूं
फोकट भाई साहब, मैं आज बहुत दिन आज मैं सोच रहा था, मैं बात करूँ आपसे, इसलिए मैं बात नहीं कर पाया, पर थोड़ी कुछ समस्या थी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं स्पेशल ही शरीर अपना भी नुकसान हो भाई, ममता गाड़ी में इतने धक्के खा देख लिया भाई, शरीर टूट जा रहा था, सो जा रहा था हम गाड़ी में, कई बार चलते चलती में बुरा हाल हो जा रहा था, पर वह जोश था कि खेलना है, पर ही महसूस हो कि जोश तो है पर वो नुकसान कितना हो रहा था शरीर का, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, सोच भी नहीं सकते भाई। मैं सो गया, गाड़ी बिड़ गई होती, बच गए, विपिन सो गया, विपिन के साथ ऐसा, पर नहीं होना चाहिए ऐसा। अपना एक टूर्नामेंट खेलो, फ्रेश उठो, बढ़िया खेलो, थकावट में टूर्नामेंट खेलो क्या फ़ायदा भाई, शरीर तोड़वाने वाली बात थोड़ी है, खेल है, खेल के हिसाब से ही खेला जाएगा। भाई बिल्कुल, अरे मैं एक बात जयपुर जैसे कहना चाहूँगा, जब कमल भाई हैं, जैसे जो भी है, हम एक टूर्नामेंट खेल गए थे भाई, अपना इसके पास में जाए मार्बल मिलता है मकराना, अच्छे प्लेयर की अच्छी क्वालिटी और उसकी गलत सोच वहाँ दर्शाती है टूर्नामेंटों में ही। बाहर तो चलो आप आपस में कुछ भी बोल लेते हैं, बाहर बैठ कर मजाक कर लिया, जो जब बोलेगे वहाँ हम खेलने गए, एक टीम ले गया अपना, जो सेट था वही सेट ले गए थे, बिल्कुल वक्त लगता है भाई, बिल्कुल वो दो दिन में प्लेयर नहीं बनता भाई टूर्नामेंट में कोई भी, मैं कहता हूँ इस बात के लिए, ये एक्सपीरियंस नीरज इसी चीज़ का होता है भाई। जब हम वहाँ टूर्नामेंट खेलने गए तो पहले दिन खेले, यहाँ से लेट पहुँचे हम वहाँ खेले भी, अगले दिन टूर्नामेंट वाले बात कर गए थे भी, उन्होंने कहा बिट्टू वा नेट उन्होंने अगले दिन बांध दिया अपना। जैसे मैच चला और हमारा सेंटर पुंदर था भाई, उस तरफ से कमल और अपना संजय भाई ने टूर्नामेंट वालों से बात की, वो इस नेट को उतारा जाए, क्यों उसके पट्टी उस टाइम पूरा पीक पे था, पुंदर भाई बढ़िया हाथ लगते थे, जब बोले भाई इसको हटाया जाए, बीच में नेट खोलिया, दूसरा बदलिया, ये चीज़ें महसूस होती हैं हर प्लेयर को, मैं करता हूँ तब भी। भाई झुंझुनवा टूर्नामेंट बहुत बढ़िया कराया करते उस टाइम, जब पहली बार हम खेल गए, जब उसके बाद भी बहुत बढ़िया, अर्जिता भाई चिराग दिल्ली बहुत बढ़िया, उनको बधाई, बहुत सारी दोबारा बधाई देता हूँ मैं, कि अपने NCR का उन्होंने नाम किया, कि कुछ प्लेयर हैं भाई जो वहाँ झुंझुनू में भाई, नाम तो पहले राजस्थान में सब जानते ही थे कि वहाँ जाके दिखाया गेम जो उन्होंने, अंकित ने बहुत बढ़िया, गौरव भाई बहुत बढ़िया गेम था आपका सबका, भाई हम फर्स्ट राउंड में पर्ची डालते हैं भाई जयदी भाई, और इब के ने थोड़ा होता ना तो फर्स्ट राउंड में पर्ची, जिसके पुल में पर्ची पड़ेगी, चाहे कोई देख लो, चाहे कोई आगे कर लो, अपना होना भी चाहिए भाई, ये एक फॉर्मेट ही बनेगा हर चीज़ का ही, ये नहीं कि रूल बना दिया और पर्ची फिर अपने हिसाब से डालो, गांव वाले अपने हिसाब से डालेंगे, हैं कोई कुछ नहीं, जो रूल बनाएगा उससे सिस्टम से टूर्नामेंट कराता हो भाई, करा ले ना, तेरी मर्जी, तू जाना अगला अपना तेरा रूल जाना अलग से, और जो जाओ है फिर वो उसका प्लेयर की अपनी हुआ भाई अहमियत। धन्यवाद भाई बोई भाई, तो एक अलग चीज़ होती है उसकी भाई, अलग क्वालिटी होती है, अगर यह चीज़ हम कहेंगे नहीं, करनी पड़ेगी भाई उसको, करनी पड़ेगी, नाराज हो या कुछ भी हो, या चाहे मैं नाराज हूँ चाहे कोई भी हो, जो चीज़ बना के दे दी ना कि अभी ये सिस्टम है हमारा, मैं कह रहा हूँ ये सिस्टम हमारा, अगर आप इसमें मानो हो तो ठीक है जी, नहीं तो फिर अपनी राम राम जी, हम इस चीज़ और होना भी चाहिए, देना होगा बिल्कुल भाई, बिल्कुल टाइमिंग का ध्यान देना होगा भाई इस चीज़ का,
कि प्रॉपर भाई मैं वो भी वही बात कह रहा हूँ ना, हर चीज़ का ध्यान देना होगा। ये नहीं कि टूर्नामेंट में तो अगर भाई 10 टूर्नामेंट होगी दिक्कत है, 20 में हो जाएगी, 30 में हो जाएगी, आगत मेरा पट्टा फिर है। जो टूर्नामेंट करा उससे बता भी देना पड़ेगा ना, अगर आपने यहाँ दोबारा उसकी ये टाइम पर जो टीम नहीं आई उसने आपने खिला लिया तो फिर टूर्नामेंट आगे से फिर आप बायकॉट हो आप, यानी कि गांव वाले चलोगे हैं भाई, कराओ टूर्नामेंट कराओ, कोई दिक्कत नहीं में कराओ, पर ये जो रूल बना दिए इसके थ्रू आप कराते हो तो ठीक है जी, नहीं तो अपने हिसाब से देखो। और कोशिश ये रहेगी उसको मनाने की, रिश्तेदारी में जाना पे कैसे भी मनाने की कि भाइयों का फायदा हो, उसको मनाएंगे कि इस तरह से कराया जाएगा भाई टूर्नामेंट। बिल्कुल नहीं रखते भाई टाइम का, मैं जा रहे लेट भाई, हम कहने ला रहे गुंडनू आ रहे ना इस टाइम चलेंगे, मैं भाई टाइम पर चलूंगा ना इस टाइम चलेंगे, फिर गाड़ी भगाओ नुकसान डबल, गाड़ी तेज चलाओ कि रख इसका चोट लग जाए भाई। तो इस बात का प्रॉपर ध्यान नहीं रखना चाहिए, समय से चलना चाहिए। और सही भाई मैं ये एक ही बात कहता हूँ कि भाई सब लॉकडाउन में अपना बच के रहना, दिल्ली से खासकर भाई, दिल्ली वालों एनसीआर में जो भी है अपना थोड़ा सा घर परिवार सब के लिए, जान है तो जान है भाई, अगर जान ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सुप्रीत जी नहीं नहीं कोई नहीं होगा, बिल्कुल आप कहते हो ना, बिल्कुल भाई जीते भाई, बिल्कुल मैं कहता हूँ इस बात में भाई, कोई नाराज हो तो नाराज हो या मैं जाता हूँ गलत नाराज होने दे, कोई दिक्कत नहीं, वापस जाओ अपने घर जाओ ही, नहीं जाना भाई भाई रिक्वेस्ट आए हो बैठो यहाँ पूरा टूर्नामेंट देखो, आपकी इज्जत की जाएगी, बैठो टूर्नामेंट देखो आप पूरी रात देखो, चाय देंगे खाना देंगे भाई बैठ। बिल्कुल बिल्कुल नवीन भाई, भाई ये बात तो मैंने बोल दिया, ये एक चीज जो हम रूल बनाएंगे ना उसमें ये पहली चीज होगी भाई साहब, जो रूल बनाया जाएगा सारे भाई रिक्वेस्ट, मैं तो एक ही चीज कहता हूं उसमें, एक चीज ये जरूरी डालनी पड़ेगी कंपलसरी, किट और टाइम बाउंड होगा, प्रॉपर किट में है टीम तो आप खेल सकते हो नहीं तो नहीं। जो टीम गांव की है फोगाट साहब से रिक्वेस्ट कर लूंगा पिन मैं हो जाएंगे, जो किट नहीं बनवा सकती उसकी किट बनवाओगे भाई हम, कोई दिक्कत नहीं है, पर किट बनवाने के बाद किट पैर के नहीं आएगी तो वो टूर्नामेंटों में टीम नहीं आएगी, इस बात के लिए मैं कहता हूँ भाई कोई इसमें, अरे 10 टीम नहीं होगी 20 टीम आज के टाइम में ख्याल, कोई ऐसा प्लेयर तो है नहीं कि किट नहीं बनवा सकता हो, शर्म किस चीज़ की, अरे खेलना हमको है, एक अच्छी ड्रेस कोड में खेलें अच्छा लगे सबको, कोई शर्म नहीं है कि ये पैर लिए वो पैर लिए रंग हुआ नहीं, प्रॉपर किट पहनो अपनी भाई बनवाओ, सभी प्लेयर अपना देख के अपना नाम लिखवा के प्रॉपर तरीके से पहन के खेल लो, देखो कितना अच्छा लगेगा। तो सही भाइयों से मैं ही रिक्वेस्ट करता हूँ, बस अब बात मैं रवि की वो बता चुका हूँ बिल्कुल, कि उसने अपना ऐसा आपकी देन है, बढ़िया खेला था आपके साथ खेला करता पंजाब में जाकर, उसने बहुत अच्छा खेला, वो उसको सब जानते हैं बाय नेम बाय, बिल्कुल चेहरे से भाई रवि भाई आ गया हमारे, दो बार हमारे साथ खेलने का था, उसकी अपनी पावर इतनी भाई उसके गेम की जो भी है हाथों की, बस पूछो मत ना आप उसके बारे में, ऐसा गेम मैंने एक बार उसका पंजाब में हमारे साथ गाते हुए चाहे बलियाना दिखा रहा उन गेम जो मारा मारे थे उन्हें, बहुत बढ़िया खेला था। और खेल खेल है भाई साहब, ये नहीं होता कि आप 100 के 100 दिन 365 के 365 दिन पूरा प्रॉपर तरीके से खेला जाए, नहीं, अप एंड डाउन ये एक चीज है, कोई चीज चल रही है अप पर कोई बात चल रही है भाई, थोड़ा बहुत खराब हुआ है गेम नू थोड़ी है कि उसका गेम खराब हो जाएगा, रूल वो का गेम खराब नहीं होगा भाई साहब, गेम तो फिर आ जाएगा उसका अपना गेम है,
जब तक आप प्रैक्टिस में हो आपका गेम हमेशा ही निखर के आता रहेगा। एक प्रैक्टिस करने से एक टूर्नामेंट खेलने से अलग फर्क होता है। आप जब भी टूर्नामेंट, एक टूर्नामेंट खेले, दो खेले, चार खेले, दस खेलो, बीस खेलो, सौ खेले, 500 टूर्नामेंट खेले, जो जो आप टूर्नामेंट खेलते जाओगे उसमें ये नहीं टूर्नामेंट खेलेंगे, सिर्फ आप उस टूर्नामेंट में खेलने जाते हो तो ये चीज़ देखते हो कि दूसरी टीम, एक फ़ायदा ये होता है वैसे टूर्नामेंट देखने का भी कि कौन सी टीम कहाँ वीक पॉइंट है, उसका कहाँ खेलना चाहिए। ये नहीं हम अपना मैच खेले सो गए। तो देखने का फायदा हुआ भाषा, मैं वो टूर्नामेंट देखा, खेलने जा रहे थे हम गुंडूर गए, कई भी कहते मैं ना खेला तुम खेल ले कौन सा खटिया को ले यार ना। और हमारे प्लेयर, मैं कहता हूँ हमारे प्लेयर ये कहते हैं तूने थर्ड में खड़ा कर दिया, क्या कर रहा तू सेंटर पास खड़ा रहे। मैं भाई एक टीम में खड़ा होना ना अपने आप को प्लेयर की अहमियत होती है। कोई भी टीम है, किसी भी जगह नेटमैन की है अपने अलग, स्कोरर की अलग, सेंटर की अलग, आगे प्लस मैन खेला उसकी दोनों साइड, पीछे खेलते अलग, थर्ड खेलता अलग, हर प्लेयर की अपनी एक जगह फिक्स होती है, वहीं वो बढ़िया खेल सकता है। अरे भाई नीरज आप वाली बात मैं कहूँ, लॉकडाउन खत्म होते भाई पूरी करेंगे लाडले भाई, आप सभी भाइयों की का प्यार बना रहे और प्यार बना रहे के कारण ही यह बात कोशिश हो सकी बहादुरगढ़ रोहतक कोई भी जित भी फिक्स करेंगे फोगाट साहब रे सारे भाई मिलकर वहाँ इन सब को खिलाया जाए भाई। मैं कहूँ भाई जीते भाई बिल्कुल की हाइट प्रॉपर यही रखी जाएगी, सारी चीज जाएगा भाई, एक रूल ही बनाया जाएगा फिक्स, सारे भाई बैठेंगे, सारे भाइयों की राय ली जाएगी, सबका दिमाग सा लगा। मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट होगी टाइम पे टीम आना और प्रॉपर किट में आना। और सारे भाई हैं फोगाट साहब हैं बड़े भाई अपने, जो कहेंगे कि आप मनवा नेटमैन छोटा सा बहुत बढ़िया खेला भाई, उसका नेटमैन नजबगढ़ का बालोट का नेटमैन है बहुत बढ़िया, हमारे जो नेट हैं दो छोटे छोटे नेट हैं, सुमित है, खत्री, युवराज है, बहुत बढ़िया खेल रहे बच्चे, क्या पता वो बढ़िया सलाह दे दे भाई। सलाह सबकी माननी चाहिए, सुनना चाहिए सबकी, सलाह लो सबकी, सबकी सलाह लेके ही काम होता है भाई, अकेला करोगे तो कुछ नहीं होगा। इवन में ले इलेक्शन में अकेला जाग लड़ना जा पीछे पै जाने लड़ दू कुछ नहीं हारदा, हर गांव की हर सब की मेजोरिटी चाहिए जब होता है ये काम भाई, और सबको साथ लेके ही चलना पड़ता है। और यो तो अपना काम है भाई, सारे भाइयों के खातर हैं हम, और सब ने साथ लेकर छोटे भाई आ गए कुछ कर जाए उनका नाम हो, इस चीज़ के लिए मैं यही प्रेशर बनाना चाहूँ सबके ऊपर, और करो भाई सारे भाइयों खातर, छोटे छोटा जो जनरेशन है वो उसका इस मुकाम पहुँचा दे उस गेम को कि अपने आप सब कहें, ये नहीं कि मैं क्रिकेट खेलना चाहूँ बस, हमारा भी कुछ लेवल आ जाएगा इसी गेम का तो अपने आप सब भाई कहेंगे भाई हाँ भाई कुछ है, कुछ है, बहुत फेडरेशन में खेल लिया मैं, कुछ नहीं किया किसी ने भाई, क्योंकि प्लेयरों की एकता नहीं होती, वो पैसे किराया देती फालतू वहाँ से ले गए ये चले गए, इस तरह की कोई बात नहीं होती, फिक्स किराया होगा सबका। एक सबसे बढ़िया बात ये होगी खाने के लिए स्पेशल विशेष ध्यान रखा जाएगा, जो भी टूर्नामेंट करा भाई खाना आप चाहे थोड़ा बनवा दो, अच्छा खाना सभी प्लेयरों देना, टाइम पे देना, चाय वाय जो भी है इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए भाई। चंद्रपाल जी इंडिया टीम का एक नंबर का प्लेयर, और जो पहले थे अब बहुत फर्क होता, अलग अपना इनका वो है, फॉर साहब वो बात मानिए पहले वाला वही बता रहा हूँ आपको, आप ही बात बता रहा हूँ कि अंडर हैंड का और जो पहले अपर हैंड का उसका अलग अलग हर चीज़ उनकी अपनी क्वालिटी थी। अब जो अंडर हैंड में सेंटर खेल अंकित खेला भाई बढ़िया, कोई बात नहीं है बढ़िया भी खेलता है। जैसे हेलो मगर जैसे भी अपनी क्वालिटी जब एज के हिसाब से चलती है भाई साहब,
अब उसका पिक्स में बहुत अच्छी, अंडर एंड भी साइड में भी बहुत अच्छी खेलता है, जबरदस्त मैच है। अपना साहब सोनीपत की टीम बनी थी भाई साहब, बहुत अच्छा गेम चला था उनका। राम राम जयदी भाई, अपना उनका विक्की सोनीपत का मीना था, बहुत अच्छे खेले। नाना भाई साहब, भोआपुर वाला नाना, मोनून की साइड प्लस माइनस खेला था, बहुत अच्छा सेट था। पर कुछ कमी आपस में होती है ना, ये नहीं होनी चाहिए गेम के टाइम में भाई साहब, इग्नोर कर देना चाहिए इन चीज़ों का। लड़ाई झगड़ा ग्राउंड में अगर कुछ बात हो गई तो ग्राउंड से बाहर निकलते ही उसी टाइम वो ख़त्म हो जानी चाहिए। ये चीज़ जब तक मन भावना में रहेगी प्लेयर की तो ही कामयाब उसके भाई साहब, ये नहीं तो नहीं। और एक बात है कि भाई मेरी भी हो जाए कड़वाहट, क्या किसी गला बिगड़ जाए, हुई है बहुत बार, हुई है, महसूस भी होती है भाई। अच्छा मोटा दिमाग वाला, मैं बहुत शुक्र गुजार हूँ कि वो हमको लाइव दिखाता है घर बैठे, कई बार सर्दियों में नहीं देखता है। मैं स्पेशल फ़ोन करता हूँ भाई, स्कोर बोल दे स्कोर बोल दे। उसको एक बात और कहनी पड़ेगी, साथ साथ कमेंट्री ज़रूर करे वो, उसको मैं प्रॉपर बैठ के समझाया जाएगा बिल्कुल। और हर बात उसको बोलनी चाहिए, क्या होता है बोलने में भाई, फिर दूसरे में बैठा दे थोड़ी देर में, और बात करता रहेगा, कमेंट आते रहेंगे, बात करता रहे, बहुत अच्छा लगता है ये। और उसका तो अब ये चलो उसका काम ही है बहुत, और काम तो क्या भाई, उसने मारती एक आँख है उस हमारी, तो वो जो हमको दिखाता है। नहीं तो पूछते थे सुबह, चाहे ग्रुप बनाया ग्रुप बनाया, अभी ग्रुप में आ गए, पहले क्या था भाई साहब कभी नहीं, 3 दिन जाया करते खेलने, 2100 रुपये का टूर्नामेंट होया था, 3 दिन में खेलने चले जाया करते, कदे पंखा मिल गया कदे मिल गया कदे मिल गया। फिर उसके बाद अपना भाई ग्रुप बना दिया, ग्रुप में मेरा पटन लगा ना, तो पोस्टर चिपकाते हैं भाई साहब, बस अड्डे बुला दिया और वो बुला दिया भाई साहब। मैंने पहले बोला ध्रुव भाई साहब साफ ले दिया अनुज, और उसका अपना मास्टर जी जकाड़ा, एक सरपंच था साफ ले दे, बहुत बढ़िया खेल रहे थे भाई साहब। ध्रुव का अपना गेम हो रहा था भाई साहब, उस टाइम हम खेल जा रहे थे टूर्नामेंट में, क्वालिटी थी जैसे अब अंकित की, जैसे अब अंकित की है उसकी अपनी क्वालिटी थी। अपना उसका हर बॉल को वो कभी ड्रॉप नहीं खेलता, शॉट मारता था, बहुत अच्छा खेलता था। तो सतीश भाई राम राम, मैं इसलिए कह रहा हूं जी कि एक इसकी बात, चंद्र चंद्रपाल जी, अंकित, नीटा, नीरज, बंटी, सोनू, सेंटर सेंटर भाई साहब बहुत हैं, शास्त्री है बहुत अच्छा खेलता है, कमल है बॉल कमल भी मारता है भाई साहब, और साइडों में मारता है, पहले ना ना खेलता सेंटर में, बहुत बढ़िया खेल रहा था। और एक और सापले में अपना प्रदीप खेला रहा था जी, देखो रेगा बहुत अच्छा सेंटर खेलता था। और हमारा जटोले वाला पुंदर भाई पट्टी बहुत अच्छी, बहुत उधर सेंटर खेला था जी। तो हर प्लेयर, अंकित दैया जी अपना भादरगढ़ में, उसका खेल का देखो जी आप सेंटर का, कभी देखा हो तो। एक दिनेश भाई है, बिल्कुल याद दिला दी फोगाट साहब आपने, बादल डाला बहुत बढ़िया भाई है। और सबको अपना एक अच्छा ना भाई, गुड्डू भाई का था अलग अपना रुतबा है, करता भाई उसने बॉल मारनी है तो मारनी है, चाहे गेम पॉइंट हो उसको ये रोकने वाला कोई नहीं था कि गेम पॉइंट है और अपना रुक गए, नहीं उसने बॉल मारनी है तो उसने मन बना लिया था बॉल मारेगा ही, या उसकी सोच थी अपना, उसका गेम प्लान था। तो यूज़ नहीं कर जाए भाई, भाई उसने बॉल मारनी मारनी थी, उसका अपना अलग था।
भाई अपना वही कह रहा हूँ चंद्र जी, अपना टाइम है, टाइम बढ़िया है, बढ़िया खेलते हैं, नीटा है, बिल्कुल खेल है। बिल्कुल अच्छा जी। और मैं कह रहा था कि हाँ कमल भी है भाई, अनिल जोधपुर का है, जोधपुरिया जो है, बढ़िया सेंटर खेल रहा है यार लड़का, अच्छा है। हर प्लेयर की जींद वाले हैं भाई, जींद वाले बढ़िया खेलते हैं, टीम देखते हो तो आप बढ़िया खेलते हैं, सारी टीमें हैं जो। अपना गोपालपुरा डॉक्टर है हरदा जी, बढ़िया खेल हरदा जी सेंटर। मोनू गड्डी मिंद्रोली से है, साइड में अपना ठीक खेलते हुए। बगता हरदा जी, बगता लड़का नवीन, वो भी एक टाइम में उन्होंने बढ़िया टीम बना के, सही खेलने टीम होगी चलने के लिए, फिर उनकी आपस की इंटरनेशनिंग होगी। मैंने समझाया भी था एक दिन उनको बैठ के, मैं भाई ये चीज़ आनी जानी होती है, और एक समय होता है अगर वो समय हाथ से निकल गया ना तो फिर बहुत बाद में पछतावा होता है। जैदी भाई इम्प्रूव की बात सारे भाई मैंने बोली थी, सारी इस तरह की कि एक फिक्स चीज़ बनाई जाएगी, आप भी टीम अगर टूर्नामेंट कराओ दे उन चीज़ों पे ही टूर्नामेंट होगा, रेफरी से ले कोई नहीं, टीम अगर कोई भी टीम गलत बोलती है ना रेफरी से बीच में आके, तू तड़ा कर ये है, इस तरह की बातें वो बर्दाश्त नहीं होगी किसी को भाई, कोई भी हो चाहे मैं रेफरी हूँ, चाहे फॉरवर्ड साहब हो, चाहे कोई भी रेफरी हो, चाहे गांव का हो, चाहे छोटा बच्चा हो, किसी को भी कोई गलत नहीं, निष्पक्ष सब चीज़ होनी चाहिए, कोई किसी का ये नहीं गे। डॉक्टर साहब रेफरी थे, चिराग दिया हमारा मैच था काले के टूर्नामेंट में बीरागड्डी, वो फाउल नहीं था, चलो डॉक्टर साहब ने फाउल दे दिया, उस कारण फाइनल मैच हार भी गए, टूर्नामेंट से बाहर भी हो गए, तेरा रेफरी भगवान भी नहीं होया करता है, हो जाए गलती भाई कोई दिक्कत नहीं, पर हम उस तरीके गाड़ बकरना क्या फ़ायदा उस चीज़ का, क्यों भाई किस चीज़ के लिए, और क्या अधिकार हमारा गाड़ी देने का, नहीं देना चाहिए। और सभी भाई तो मैं फिर एक बार लाइव आया हूँ, आपको कुछ बोला हूँ, आपसे कुछ विचार लिए हैं और बैठ के फिर लिए जाएंगे, और लाइव आने के लिए चलाने के लिए भाइयों का धन्यवाद तहे दिल से, जो मेरे साथ लाइव रहे, जो बात की उन सब का धन्यवाद। फोगाट साहब बड़े भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाइयों का। और एक बात और कहना चाहता हूँ छोटी सी, कि भाई जब भी लॉकडाउन ख़त्म हो सारे भाई मिलकर एक बार ज़रूर जो भी टूर्नामेंट हो उसमें एक रूल एंड रेगुलेशन बना के प्रॉपर तरीके से खेल लेना, एक सारी टीम एक जैसी है भाई जी, सबकी टीम है, एक फॉर्मेट होना चाहिए। और हमारे संदीप हुड्डा जी हैं, हम उनकी बदौलत, जैसे नीटू भाई हैं, हमारा ग्राउंड चल रहा है भाई, समय समय पे हमको बताते रहते हैं भाई, अब थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी लॉकडाउन से पहले, अभी लॉकडाउन जब नहीं हुआ था टूर्नामेंट करवाने की सोची थी, फिर उनके ताऊ जी की ताऊ जी तबीयत ख़राब हो गई थी बनने वाले अभी, उसके बाद देख रहे हैं फिर लॉकडाउन आ गया, तो वो हर टाइम कुछ अलग करने की सोचते हैं, और वो स्पेशली कहते हैं मेरे को कि भाई तुम संभालो अपने ग्राउंड में, मैं तो खाने खाने का जिम्मेवारी है, खाने का मैं सारा जो भी कहोगे वो मेरी है। बिल्कुल कमल भाई साहब बढ़िया, बहुत बढ़िया खेलता है एक हमारे, और ये चीज़ है ना भाई साहब, मैं तो उम्रते नहीं, अगर 10 दिन रहे ना टूर्नामेंट के, हर टीम के 10 बार फोन करता है अकेला बंदा संदीप के, भाई साहब आना पड़ेगा जरूर, आना पड़ेगा, हर टीमों से प्लेयर को फोन करता है, और फिर पूछता भी है भाई कोई कमी रहेगी वो किसी चीज़ की खाने में, और किसी चीज़ की और किसी चीज़ की, तो मैं उनसे सीख लेता हूँ, मेरे बड़े भाई नीटू भाई हम सीख लेते हैं, फोगाट साहब सबसे सीख लेते हैं, और ऐसे ही होना चाहिए भाई। और जो मैं लाया हुआ है उसके लिए दिल से धन्यवाद करता हूँ मैं।
चैनल का, और सारे भाई मिलकर एक ही बेड़ा ठाणा है, और एक एक बिल्कुल अगर किसी भाई को मेरी बात कड़वाहट या कड़वी लगी हो भाई, उसके लिए मैं दिल की गहराई से क्षमा मांगता हूँ। और मैं कहता हूँ भाई, अगर भाई बोल भी दिया हो थोड़ा जो उसमें गलत बोल दिया हो, हालांकि मैं बात गलत कोई बोली भी नहीं होगी, फिर भी मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और समय का पालन, और सब अपने घर पे सेफ रहें, सुख रहें, सुख में हों, और इस लड़ाई में जो जंग है ये अपनी कोरोना की वो ख़त्म हो चुकी है। गेम की बातें बहुत हो चुकी हैं, अब ये गेम बात भी ज़रूरी है। दिल्ली के जो भी हैं अपना ध्यान रखें, अपना बचाव करोगे तभी पड़ोसियाँ बचाओ है, पड़ोसियों से दूर रहोगे तो अपना बचाओ तो अपने आप ही भाई, ये बात ज़रूरी है। इसके लिए मैं आप सबसे धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।